अभी कैसे हो भाई? पूछना था कैमरा कितने का पड़ता है यार? ये कैमरा कोई अच्छा सा यार, हम भी कर रहे हैं शुरुआत ना। अच्छा अच्छा हाँ जी। तो ये तो यार मैंने दिल्ली से मंगाया था ये कैमरा। हाँ मैं तो लोकली घूमा होता हूँ। मैं भी यही गया, बाकी कहीं मतलब सिर्फ शिमला। अच्छा हाँ बस शिमला। अच्छा अच्छा चलो मैं बताऊंगा आपको, शाम को करते बात। ठीक है भैया, ओके। चैनल का लिंक भेज देना। हाँ हाँ ठीक है भैया, ओके। सो ये मिले थे भैया एक 160 NS 160 वाले। सो इन्होंने भी न्यू चैनल स्टार्ट किया है, तो मेरे से पूछ रहे थे कैमरा एंड ऑल कितने का है। सो मैंने बता दिया कि दिल्ली में आपको अमाउंट इसकी ठीक पड़ जाएगी। ठीक है ओके। तो इनके साथ करेंगे मोटो व्लॉग हम स्टार्ट, बिकॉज मेरी जो क्लासेस थी ना नाइलेट्स वाली वो स्टार्ट हो रही है, और बंदे बोलते शिमला में मॉल रोड के सिवाय कुछ घूमने को है ही नहीं। भाई मैं आपको आज चाकू ले चलता हूँ, आप खुद बोलोगे कि भाई यार ये जगह घूमने के लिए है। मतलब पैदल वाला रास्ता नहीं बोल रहा मैं, ले जाऊँगा आपको बाया संजौली से कटता है एक रास्ता ना, ये देख रहे हो जाम अब भी से लगना शुरू हो गया, और एक कहाँ तक है आई डोंट नो। और एकदम से अगर बस या गाड़ी आ गई ना मुंह के सामने तो जय हो जय हो जय हो चलते रहो। यहाँ हमारे को पेट्रोल के लिए जाना है। अरे पहले मेरे को लगा मैंने शायद ग्लव्स पहने ना, तो ग्लव्स के करके मेरे ख्याल से इसकी वॉबलिंग हो रही होगी, बट अब देखो बढ़िया चल रहा है। हम नहीं घूमते यार। अरे एक चीज तुम सबने नोटिस करी होगी यार, मतलब जमाना बदल गया है दोस्तों। लड़के स्कूटरों पे आ गए हैं, लड़कियां बुलेट चला रही हैं, गाड़ी चला रही हैं, और लड़के बस वहीं के वहीं रह गए। वहीं के वहीं नहीं रह गए, लड़के आ गए स्कूटियों पे यार। लड़के चला रहे स्कूटी, लड़कियां चला रही थार। जिप्सी देखी मैंने एक बंदी चलाते हुए, सोचो क्या हो गया हमारे को। कुछ नहीं, गरीबी बोलते इसको यार, बेरोजगारी। पापा की परी, काश मैं भी पापा की परी होता, पर अभी फिलहाल मैं पढ़ा हूँ तो मेरे को चेतक मिला है। सो मैं बताता हूँ आपको मैंने जाना कहाँ से। यहाँ से ऊपर जाऊंगा मैं छोटे शिमला नवबहार पड़ता है आपका संजौली। संजौली से जाएंगे हम संजौली का, हमने फॉरेस्ट रोड सुना होगा, सो उस रोड पे निकलेंगे हम, और वहां से जाएंगे हम आगे ऊपर को जाखू, और जाकू में है नाइलेट्स जहाँ मेरी कोचिंग की क्लासेस लगेगी। सो उसका पता करना है मैंने कि क्लासेस लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर इफ लग रही होगी तो मुझे टाइमिंग करके आनी है पक्की। टाइमिंग भी उस टाइम, मतलब मेरे को टाइमिंग भी वो प्रॉपर चाहिए ना फिर यार, मेरा कॉलेज क्योंकि लगता है इवनिंग टाइम में, दैट्स व्हाई मुझे टाइमिंग चाहिए कम से कम 3-1 बजे की। यार इसमें ना मैंने टायर दिलवाना है, और टायर मैं दिलवाऊंगा इसमें मैक्सिस या MRF, इन दोनों में से एक कोई टायर होगा मेरे पास। जाखू के लिए कौन सा गया अंकल जी? वो संजौली वाला जो पीछे से गया ऊपर, ये वाला सील्ड है, ये सील्ड है। हाँ है तो सील्ड है। तो भैया आप सील्ड रोड है यहाँ पे, और मैं गलत घुस गया, मेरे को पीछे से ही जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, पीछे से ही चलते हैं वरना 3000 का चलान हो जाएगा मेरा। पापा क्रिश्चियस, पता नहीं क्या कौन सी लैंग्वेज है। हाँ जीजू राणा क्या बोल रहा हूँ मैं, जीजू राणा है वो।
ये देखो अभी और पड़ेगी यहाँ पे, ये सारी जमीन ही है ऑल ओवर जितनी भी है, ये नाली वाली है, नाली गंदी है। तो इस हिसाब की यहाँ पे आइस मतलब कुछ टाइम में यहाँ पे और ज़्यादा पड़ जाएगी। बाकी ओके जाखू मंदिर आइया, ये गया ऊपर को जाखू मंदिर। सॉरी भैया मैं गलत रास्ते में घुस गया था। ओके थक थक हुई थी बस दो, और ब्लैक आइस है यहाँ पे जमी हुई यार। यहाँ पे आइस अच्छी खासी है, कुफरी भी मैंने सोचा है कल परसों, बिकॉज अभी तो वहाँ पे पूरी ब्लैक आइस से पूरा जमा हुआ है। वहाँ गाड़ियाँ भी थोड़ी मतलब टफ है वहाँ ले जानी, टफ तो क्या है ले जा सकते हो, बट ये है कि मतलब अभी बर्फ है टू व्हीलर के लिए रिस्की है, गाड़ियाँ तो जा सकती है वहाँ से अभी। भाई कुफरी आ गए हम, देखो कुफरी जाने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, यहाँ और बर्फ देखो कितनी है, सीरियसली मजा आ गया इसको देख के। मैं तो पहुंच गया अपनी लोकेशन पे। सो नाइलेट्स वाला काम हो गया है कंप्लीट, टाइमिंग मिली है मुझे 4 बजे के आसपास, और ये वो सीधी अभी संजौली कनेक्ट होती है वाली रूट, और जो सामने आप लोकेशन देख रहे हो ये है संजौली। संजौली काफ़ी सही जगह है यार, और यहाँ से नीचे सुसाइड पॉइंट बोलते थे शायद मेरे ख्याल से। और ये जो ये नीचे वाली सड़क देख रहे हो ना ये महली कनेक्ट होती है, पर ये ऐसे अगर घूम के जाओगे ना आप तो बहुत लंबी पड़ती है। हाँ ये मेरे ख्याल से SJVN वाला एरिया है नीचे को, और ये वाला व्यू आता है आपका होटल रॉकी नोब, KNOB नोब के साइलेंट होटल रॉकी 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 भैया। और देख लो यार कुछ इस हिसाब का है यहाँ का व्यू। अभी मौसम भी थोड़ा बिगड़ना शुरू हो गया, मुझे टाइमली घर जाना चाहिए, बिकॉज अगर मैं यहीं पे रह गया ना तो मेरे को दिक्कत हो सकती है। मैं होप्सो आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो यार, और मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, और वीडियो को यार लाइक कर दे और जो शेयर कर दे, और जो 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 चिप्स खा ले मजाक कर रहा हूँ, और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को शेयर भी कर दो अगर शेयर करना चाहते हो, अगर शेयर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, बट वीडियो को जो जो देख रहा है यार लाइक कर दो, और जो जो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपको किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।